हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल्स, मरियम हियर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद न्यूक्लियस। फाइनली हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स जो थे बेसिकली वो डिटेल में कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक सेल यूनिट ऑफ लाइफ में न्यूक्लियस ही रहता है, जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पर इस पर ध्यान देना जरूरी है कि न्यूक्लियस मतलब कहा जाता है कि मेन जो मास्टर होता है सेल का वो न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और टर्म न्यूक्लियस भी दी थी। 1838 की बात है। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जिसमें न्यूक्लियस को देखा था उन सेल्स को कहा जाता है ऑर्किड सेल्स। मैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो जो टर्म्स एक्स्ट्रा रहेंगी वो लिखकर बताती जाती हूँ, जिससे कि आपके पास नोट्स में ऐड हो जाए। ऑर्किड सेल्स में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था। उसके बाद दूसरी बात आती है कि थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में अगर हम जाने तो ये एक डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्पेस कंटेनिंग द डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस सेल। एक तो डीएनए इसमें पाया जाता है, दूसरा इसमें मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस सेल देखने को मिलता है। और जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो यूजुअली राउंड होता है। शेप अभी मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। एक तो ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ये याद रखना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर के बेसिस पर बताऊं, देखो ऑलमोस्ट ऑल सेल्स आर मोनो न्यूक्लिएटेड, ज्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी वो बाई न्यूक्लिएटेड यानी दो न्यूक्लियस वाले भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं यानी दो तीन से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा अगर डिटेल में समझे तो हम समझते हैं कि अगर किसी में अगर हम बात करें कि एबसेंट है न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस एबसेंट हो गया पूरी तरह से, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड है। उस चीज को, उस टर्म को हम ई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और कौन सी चीजें ई न्यूक्लिएटेड हो सकती है, जिसमें हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज आ जाएंगे। इसके अलावा सीव ट्यूब्स जो होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, वो इसमें आ जाएंगे। प्लेटिलेट्स आ जाएंगे, ये ऐसे सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम एब्सेंट न्यूक्लियस की बात कर ली, अब एक न्यूक्लियस की बात करें, एक न्यूक्लियस अगर किसी चीज में हम उसको यूनी न्यूक्लिएटेड या फिर मोनो न्यूक्लिएटेड कहते हैं। उसके बाद अगर दो न्यूक्लियस है तो ऐसी कंडीशन को हम डाई या फिर बाई न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं, बल्कि बाई न्यूक्लिएटेड ज्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा, बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो पैरामीशियम का। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। जब मैं आपको पैरामीशियम डिटेल में बताऊंगी तो आप उसके डायग्राम में ये चीज नोट कर पाएंगे। उसके अलावा मैनी न्यूक्लियस की भी एक कंडीशन होती है। मैनी न्यूक्लियस की कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, वैसे इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, वो तो आप समझ गए होंगे यहां से स्पेलिंग देख के। अब हम इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो हमें देखने को मिलती है ओपेलिना में। कुछ लोग इसको ओपेलाइना भी कहते हैं, ओपेलिना, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स, उसमें भी हमें मैनी न्यूक्लियस यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को दो तरह से भी डिवाइड किया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को आप सीनोसाइटिक और सिंसीशियल भी कह सकते हो, सीनोसाइटिक टर्म और सिंसीशियल दोनों का ही मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन सीनोसाइटिक टर्म आप कब यूज करते हो, जब आप प्रोटिस्ट को शो करने चाह रहे हो। आप अगर प्रोटिस्ट में ये बताना चाह रहे हो कि उसमें एक से ज्यादा मल्टी न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं, तो आप कहोगे प्रोटिस्ट आर सीनोसाइटिक। और वैसे ही आप प्लांट सेल्स में भी कहोगे, सिर्फ टर्म्स की पूरे इम्पोर्टेंस होती है यहाँ पर बायोलॉजी में। और सिंसीशियल का भी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन आप उसको कब यूज करेंगे, उसका रेफरेंस आप एनिमल सेल्स के अंदर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो एनिमल सेल्स के अंदर अगर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को समझाना है तो आप सिंसीशियल टर्म यूज करते हैं। वहीं अगर आपको सीनोसाइटिक वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप वहां पर प्रोटिस्ट की और प्लांट सेल की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया बेसिक सा। अब हम यहाँ पर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि उसके भी टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे कि एक वर्ड होता है सेंट्रिक, एक होता है अगर हम बात करें ई सेंट्रिक, एक होता है यहाँ पर टर्म पेरिफेरल, फिर एक टर्म होती है हमारे पास बेसल। सेंट्रिक, ई सेंट्रिक, पेरिफेरल एंड बेसल। अब सेंट्रिक क्या होते हैं, एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं, इसमें डायरेक्टली जो सेंटर होता है सेल का, फॉर एग्जांपल ये ऐसे सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। उसके बाद होते हैं ई सेंट्रिक भी सेंट्रल ही होता है, सेंटर में ही पाया जाता है एनिमल सेल, मतलब जिससे सेंटर में पाया जाने वाला होता है, लेकिन बस ये प्लांट सेल में टर्म यूज होती है। पेरिफेरल पोजीशन किसमें देखने को मिलती है, एडिपोसाइट्स में,
उसी तरह से बेसल पोजीशन कहाँ देखने को मिलती है? कॉलमनार में, कॉलमनार में, ठीक है। तो ये पेरिफेरल इस टाइप का होता है और बेसल कॉलमनार सेल्स ऐसा, ठीक है। इस टाइप की पोजीशंस आती है न्यूक्लियस की। अब शेप की बात करते हैं, यहाँ पर शेप्स सर्कुलर तो वैसे ये बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, सर्कुलर तो नॉर्मली सभी में न्यूक्लियस का शेप होता है। कभी ओवल शेप भी दिखाई देगा तो ओवल शेप आपको स्मूथ मसल सेल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप लोब्ड, जैसे ये बाय लोब्ड है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बाय लोब्ड, तो बाय लोब स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है जो कि आपको एसिडोफिल्स में देखने को मिलेगा। ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियस का देखने को मिलता है जो कि हमें किसमें मिलता है, बेसोफिल्स में मिलता है, बेसोफिल्स, ठीक है। उसके बाद मल्टी लोब भी होता है, मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब्ड हमें किस में देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल्स में देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल्स में। और इसके अलावा हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर भी होता है, हॉर्स शू शेप। अब ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर हमें किस में देखने को मिलता है, वॉटी सेला में देखने को मिलता है। तो शेप्स में भी आपको एग्जाम्पल याद रखने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर ये वाले पोर्शन को समझा, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, अच्छा मल्टी न्यूक्लियट के और एग्जाम्पल्स है वो भी यहाँ से आपको नोट करना है, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से भी नोट करना है, प्लस जो मैंने बताया वो सारे याद रखना है। ग्लैंडुलर सेल्स में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है एट द बेसल साइटोप्लाज्म, ये याद रखना। न्यूक्लियस एक डोमिनेंट ऑर्गेनल है सेल का, विच कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, इसीलिए इसको मास्टर भी कहते हैं। द न्यूक्लियर फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप विच कवर्स द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझा दूंगी। इसके अलावा एक चीज और होती है, न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं, और कैरियन कहने की वजह से आपको ये वर्ड मिल जाएगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो टर्म्स होती है वो यहीं से आई है, प्रोकैरियोट्स यानी जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स जिनका एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है, थोड़ा नए टाइप का न्यूक्लियस होता है, उसी को हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, अगर हम इसका डायग्राम समझे यहाँ पर, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। पहले हम सर्क्यूलर एक सिर्फ इमेज बना के देख रहे हैं, इतना डायग्राम को अभी समझने के लिए हमारा सर्कल प्रॉपर हो इसके लिए किया है हमने, इस टाइप से डायग्राम दिखाई देता है उसका, ठीक है। अब क्या होता है, बीच बीच में ये जो स्पेसेस यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियर पोर कहलाता है, ठीक। इसके अलावा ये इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाले साइड जो मैंने बनाई है ये क्या होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा ये बाहर वाली को अगर हम कहें, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कैरियो या कैरियो थीका कहते हैं, कैरियो थीका। ये कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि इस इनर मेम्ब्रेन और इस आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो यहाँ पर स्पेस बन रही है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, तो इसके बीच की जो स्पेस होती है इसका नाम भी यहाँ पर आ जाता है, जिसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। न्यूक्लियर पोर एक अगर न्यूक्लियस की बात करें, एक पर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो वो 1000 से लेकर 10,000 तक पाए जा सकते हैं, इतने सारे न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ पर तो आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मली एक न्यूक्लियस में इतने सारे न्यूक्लियर पोर्स इन नंबर की अगर हम बात करें तो हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर का शेप कैसा होता है, तो ये ऑक्टागोनल होते हैं, ऑक्टागोनल होते हैं शेप में, ठीक है। और इसकी डायमीटर कोई पूछ ले कितनी होती है न्यूक्लियर पोर की, तो डायमीटर इसकी होती है 800 एंगस्ट्रॉम तक। समझ में आ रही बात। उसके अलावा अगर हम बीच में बात करें, यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या पाया जाता है, तो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के बीच में हम क्या कहते हैं वहां साइटोप्लाज्म होता है, वैसे यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, अब इसको भी समझते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स वो वाले जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ डायवेलेंट आयंस पाए जाते हैं, और डायवेलेंट आयंस क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो डायवेलेंट आयंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। डायवेलेंट आयंस कौन कौन से, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये डायवेलेंट आयंस हो गए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बनते हुए एमआरएनए भी दिखाई देते हैं, टीआरएनए भी दिखाई देते हैं, आरआरएनए भी दिखाई देते हैं, इतनी सारी चीजें हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बीच में सेंटर में, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस आप समझ सकते हो होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब आगे हमारी टर्म न्यूक्लियोलस की भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं, इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन
फाइबर्स। अब क्रोमेटिन फाइबर्स ही ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि अगर इनको कंडेंस कर दिया जाए, इनको पास पास डेंसली पैक कर दिया जाए, तो यही क्रोमेटिन फाइबर्स क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स आगे जाके बना लेते हैं क्रोमोसोम्स को, जो कि आप जेनेटिक्स में भी बहुत बार सुनते हैं क्रोमोसोम टर्म को। तो क्रोमोसोम ऐसे बनता है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है यही आपस में कंडेंस हो जाते हैं, उसको बनाते हैं क्रोमोसोम्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ लगे होते हैं। राइबोसोम सबसे शुरू में मैंने बताया था क्या होता है, तो राइबोसोम्स भी यहाँ अटैच होते हैं। इसके अलावा इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यहाँ पर कनेक्शन होते हैं। इस टाइप से आपका ये डायग्राम कम्प्लीट होता है। अब बुक का टेक्स्ट भी देखते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस एट इंटरफेस स्टेज शोज फोर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अगर हम इंटरफेस स्टेज का न्यूक्लियस देखें, जो कि अभी हमारे सामने था ये वाला, ये इंटरफेस स्टेज का न्यूक्लियस है, तो इसमें हमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है दैट फिल्स मोस्ट ऑफ द इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स असॉर्टमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इन विच द क्रोमेटिन नेटवर्क रिमेन्स सस्पेंडेड। अब क्रोमेटिन नेटवर्क जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, यही ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए का प्रोटीन का बना होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर्म इन अनकॉइल्ड। अब देखो क्रोमोसोम्स ही है, वो कैसे होते हैं, अनकॉइल्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क में कॉल्ड क्रोमेटिन। द प्रोटीन्स आर ऑफ ईदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन टाइप्स। मोस्ट ऑफ द क्रोमेटिन थ्रेड इज इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस इज कॉइल्ड। अगर हम बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड को देखें तो वो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में कॉइल्ड होता है, वाउंड इन टू कंडेंस्ड मासेस कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन विच आर फाउंड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। अब आगे द अनकंडेंस्ड रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन वेर द क्रोमेटिन थ्रेड्स आर लार्जली डिस्पर्स्ड इनटू देयर फाइन मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट्स आर रिफर्ड एज यू क्रोमेटिन। क्रोमोसेंटर्स और फॉल्स न्यूक्लियर आर डार्क स्टेन्ड क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट अलोंग द ट्विस्टेड फिलामेंट्स ऑफ क्रोमेटिन। ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया, अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे हम इस बात को कि डिटेल में डायग्राम कैसे बनता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम देखें तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन शो की थी। इसी को अगर अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो क्या होगा देखते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये आउटर वाली है और ये इनर मेम्ब्रेन थी। हमने करीब ये वाला जो एरिया है इसी को यहां से लेकर कट करके जूम कर लिया है, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन पे मैंने क्या बताया था, वहां पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो हमने यहां पर दोनों तरफ राइबोसोम्स को ड्रॉ कर दिया जिससे कि हम ये रिमेम्बर कर पाए कि हमारे आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ऑन द सेकेंड हैंड हमारे पास आती है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या होता, अब क्या होता है, इनर लेयर जो होती है वहां पर ठीक इनर लेयर के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, ये लेयर यहां पर पाई जाती है, ये लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर पाई जाती है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन की बनी होती है, ये लेयर जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन से रिश्ते होती है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम अगर कोई पूछ ले तो इसका नाम होता है फिब्रिलर लेमिना, ठीक है, फिब्रिलर लेमिना। इलेक्ट्रॉन डेंस रिच प्रोटीन देखने को मिलते हैं और ये क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने का काम करती है। अब इसके बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, नॉर्मली ऐसी स्पेस नहीं होती बल्कि यहां पर एक स्ट्रक्चर टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर में यहां सबसे ऊपर होता है एन्यूलस, और एन्यूलस का डायमीटर जो होता है वो 800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर जो पोर था बीच में उसका डायमीटर भी 800 एंगस्ट्रॉम होता है, वो इसी की वजह से होता है, ये स्ट्रक्चर जो यहां पर बीच में पाया जा रहा है। और उसके बीच में यहां पर एक ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन में एक चीज फिल्ड होती है, उस ल्यूमेन के अंदर जो चीज फिल्ड होती है हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन, क्या कहते हैं हम उसको, न्यूक्लियोप्लाज्मिन कहते हैं। और इसी की वजह से चीजों का ट्रांसफर वहां पर हमें दिखाई देता। तो इसी चीज को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोप्लाज्मिन और ये फाइब्रिलर लेमिना, ये सारी चीज को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हो गया। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को आपने यहां से देख लिया, बुक में जो बुक में टेक्स्ट दिखाया है उसको भी समझते हैं यहां पर। तो
ये बुक का टेक्स्ट है। सो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसने रिवील किया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय न्यूक्लियर एनवलप। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पर फंक्शन भी पता चल गया आपको न्यूक्लियर पोर्स का, क्या करता है ये न्यूक्लियर पोर, कम्युनिकेशन करवाता है मटेरियल्स का बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। बोथ मेम्ब्रेन्स दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर 75 एंगस्ट्रॉम थिक एंड आर सेपरेटेड बाय स्पेस ऑफ 10 टू 15 नैनोमीटर। दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, अभी आपने डायग्राम में देखा था। द पोर्स आर 80 नैनोमीटर इन डायमीटर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द पोर्स आर एनक्लोज्ड, अब यहाँ पर ये जो पोर्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं बाय सर्क्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एन्यूलाई, जिसको अभी मैं एन्यूलस कह रही थी। द पोर्स एंड एन्यूलाई टूगेदर आर नोन एज पोर कॉम्प्लेक्स, अब इसी पोर को और इसी एन्यूलाई को मिलाकर ही तो हम क्या कहते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये व्यू है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोर जिसमें आउटर रिंग प्लग स्पोक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा व्यू फ्रॉम द साइड ऑफ द पोर आपके सामने एक और डायग्राम है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें यहां पर आपको न्यूक्लियर लेमिना भी शो किया गया है। इसके अलावा द न्यूक्लियर एनवेलप रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द पोर कॉम्प्लेक्स। द न्यूक्लियर एनवेलप हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज राइबोसोम आरएनए एटसेट्रा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। द पोर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स और एन्यूलाई विद एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 80 नैनोमीटर्स। द लार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ सेंट्रल प्लग, अब जो बीच में लार्ज पार्टिकल होता है वो सेंट्रल प्लग बनाता है एंड 8, अब यहां पर याद रखना नंबर को, 8 रेडियल स्पोक्स दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लग टू द रिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर बीच में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एंजाइम्स रिच होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जैसे हेल्प करता है वो यहाँ पर पाया जा सकता है। मैं एंजाइम का नाम भी बताती जा रही हूँ, तो डीएनए पॉलीमरेज में यहाँ लिखती जाती हूँ, डीएनए पॉलीमरेज, एक तो नाम ये याद रखना डीएनए पॉलीमरेज आ गया। दूसरा यहाँ पर एमआरएनए का रिक्वायरमेंट होता है, तो एमआरएनए सिंथेटेज यहाँ पर देखने को मिलता है, आरएनए का पॉलीमरेज भी यहाँ देखने को मिलता है, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए तो पाए जाते हैं, डाइवेलेंट आयंस भी यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि न्यूक्लियोप्लाज्म का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच जो होता है वो होता है 7.4 प्लस माइनस 2, ठीक है, 7.4 प्लस माइनस 2 यानी 7.6 भी हो सकता है और 4 से 2 कम कर देंगे यानी 7.2 भी हो सकता है इसका पीएच न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना इन 1781 एंड न्यूक्लियोलस टर्म बोमैन ने दी थी और 1840 में दी थी, और ये दोनों टर्म्स आपको याद रखना है सेल के बारे में। एसोसिएटेड होता है ये विद एनओआर, अब यहाँ पर एनओआर का नाम आ गया, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इसको डिटेल में समझाते हैं। अब क्या होता है कि एक तो ये एनओआर से रिलेटेड होता है, इट इज अ मेम्ब्रेन लेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोलस हमेशा मेम्ब्रेन लेस होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं फिर भी वहां पर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। तो हमेशा इस पे टीचर्स वाइवा में क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है तो फिर उसमें मेम्ब्रेन क्यों दिखाई देती है, तो ये नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट बट सीम्स विथ अ मेम्ब्रेन ड्यू टू न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर होता है जिसकी वजह से उसमें मेम्ब्रेन दिखाई देती है, लेकिन ये रहता कैसा है, ओरिजिनली मेम्ब्रेन लेस होता है और कंसिस्ट लार्जली ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड क्रोमोसोमल रीजन्स विच आर एक्टिव इन न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन एंड विच फंक्शन इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय मैक लिंटॉक। द राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन न्यूक्लियोलस या आरआरएनए को बनाता है। द राइबोसोमल सब यूनिट्स आर असेंबल्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ ग्रेन्युलर पार्ट, एक ग्रेन्युलर पार्ट होता है, फाइब्रिलर पार्ट होता है, एमोर्फस मैट्रिक्स होता है, पार्ट्स, यहां पार्ट्स लिख दिया इन्होंने, सिर्फ पार्ट्स होता है, पी ए आर एस, अमोर्फा एंड क्रोमेटिन, इतनी चीजों से बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर, ये ऐसा होता है। फिर उसके बाद एक और बना लेते हैं हम यहां पर ऐसे, ठीक है, ये बीच में एक सर्कुलर जैसा बन रहा है, उस सर्कुलर एरिया के अंदर क्या होता है, वहां पर ही पार्स अमोर्फा होता है और ये आसपास क्या है, ये न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर है। और जो पार्स अमोर्फा होता है इसमें क्या चीजें पाई जाती है, इसके अंदर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं राइबोसोमल जैसे टाइप के। तो यहां पर तो ये जो पार्स अमोर्फा है, ये बीच में पार्स अमोर्फा, इस पार्स अमोर्फा में कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाई देते हैं, वो ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं, आर आर एन ए के ग्रेन्यूल्स होते हैं, आर आर एन ए के, ठीक है।
और वो जो आरआरएनए यहाँ पर बन जाता है उसका सिंथेसिस हो गया, स्टोरेज होना जरूरी है, तो वो सिंथेसिस स्टोरेज भी न्यूक्लियोलस में होता है। अच्छा, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आरआरएनए कौन करता है, कोई पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो कौन करता है, एनओआर करता है। एनओआर का काम ही होता है कि सिंथेसिस और स्टोरेज करता है आरआरएनए का। और आरआरएनए के क्रिस्टल और ग्रेन्यूल जैसे कहां दिखाई देते हैं, पार्स अमॉर्फा में दिखाई देते हैं। सो द ग्रेन्यूलर पार्ट इज मेडअप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स। फाइब्रिलर पार्ट इज मेडअप ऑफ फाइब्रिल्स ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियर नेमा। इसके अलावा अमॉर्फस बीच में ये जो अमॉर्फस मैट्रिक्स है इज होमोजेनस मास ऑफ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड फाइब्रिल्स। द क्रोमेटिन मे बी ऑफ टू टाइप्स, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन अराउंड द न्यूक्लियोलस एंड इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन इनसाइड द न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम पे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल टॉपिक रहेगा आपका, मैं क्रोमोसोम को इसलिए नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लूंगी। और उसके बाद यहाँ पर सेल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब क्रोमोसोम इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट है उसी से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में रहेगा, इतना सारा मैटर रहेगा। तो आज ये वीडियो सेगमेंट ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया है, इतना सफिशियंट रहेगा। और उसके बाद सेल साइकिल हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी सेल यूनिट ऑफ लाइफ अभी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर रिस्पांस अच्छा आएगा इन बॉटी वीडियोस में तो फिर हम जल्द से जल्द सेल साइकिल के साथ भी कंटिन्यू करेंगे आगे, नहीं तो फिर हमें टॉपिक को स्विच करना पड़ेगा अगर इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं रहे तो। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक तो वीडियो को लाइक करें, तो लाइक करने का बटन जो होता है ठीक वीडियो के नीचे होता है उसमें, वहां लाइक करेंगे, वहीं शेयर बटन भी होता है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अगर आपके लिए यूजफुल वीडियोस है तो फिर हम लोग और वीडियोज इसी तरह के चैनल पर अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।